नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज, हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, इंडिया के फॉर्मर प्लेयर सुनील गावस्कर ने संजू सैमसन को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। सुनील गावस्कर ने कहा कि संजू सैमसन ये अनडाउटली वन ऑफ द बिग पोटेंशियल प्लेयर है इंडिया क्रिकेट टीम में, स्पेशली T20 क्रिकेट में। लेकिन T20 क्रिकेट में इंडिया टीम में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है, इंडिया के सारे यंग प्लेयर टैलेंटेड है, इसलिए आपको एज अ प्लेयर काफी कम चांसेस मिलेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि संजू सैमसन को अच्छा मौका था, लेकिन वो कंसिस्टेंटली रन नहीं बना पा रहा है। अगर आप श्रीलंका के अगेंस्ट फर्स्ट T20 में देखें तो उसके पास अच्छा मौका था रन बनाने का। वो ऊपर बैटिंग करने आया था, लेकिन लीडिंग एज लगा और शॉर्ट थर्ड मैन पर आउट हो गया और उसने ये अच्छा मौका गमाया। और मेरा मानना है कि संजू सैमसन ये काफी फाइन प्लेयर है, उसके पास काफी ज्यादा टैलेंट है, लेकिन उसका शॉर्ट सिलेक्शन उसे हमेशा मुश्किल में डालता है और यही हमने फर्स्ट T20 में देखा। हम हमेशा टैलेंट की बात करते, लेकिन अगर आप टैलेंट को कैपिटलाइज नहीं कर पाए तो आपके लिए रास्ता और भी मुश्किल होता है। और इंडिया में काफी लोग हैं जिनकी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है संजू सैमसन से। नंबर टू गाइस, गौतम गंभीर ने इंडिया टीम वर्ल्ड कप में क्या मिस्टेक करती है ये बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गौतम गंभीर ने कहा कि इंडिया टीम ने साथ में क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया की लास्ट दो वर्ल्ड कप में यही मिस्टेक हो रही है कि प्लेयर्स ये ज्यादा क्रिकेट साथ में नहीं खेले। अगर आप देखोगे तो कब इंडिया के बेस्ट प्लेइंग 11 साथ में खेले थे, हम सिर्फ वर्ल्ड कप में बेस्ट 11 के साथ उतरे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां भी इंजुरीज हुई थी और हमें रिप्लेसमेंट प्लेयर खिलाने पड़े थे। इसलिए मुझे लगता है कि स्पेशल 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए सारे प्लेयर साथ में खेले, और अगर प्लेयर को ब्रेक लेना है तो वो एक तो T20 में ले या फिर IPL में ले। ODI फॉर्मेट में आपके सारे प्लेयर कंटिन्यूअसली खेलने ही चाहिए। अगर आपके ना खेलने से फ्रेंचाइजी को सफर करना पड़ता है तो पढ़ने दो, क्योंकि कंट्री आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया वर्ल्ड कप खेलती है और जीतती है तो वो आपके लिए ज्यादा बड़ी बात होगी। अगर प्लेयर IPL मिस भी करते हैं तो IPL हर साल में होता है, लेकिन वर्ल्ड कप ये 4 साल में एक बार होता है, इसलिए मेरे लिए वर्ल्ड कप जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है IPL ट्रॉफी से। गौतम गंभीर ने आगे कि 50 ओवर क्रिकेट में आपको आइडेंटिफाई करने होंगे प्लेयर जो फियरलेस क्रिकेट खेल सके और कुछ प्लेयर जो एंकर रोल प्ले कर सके। आपको 50 ओवर क्रिकेट में ऐसे प्लेयर का मिक्सचर करके टीम बनानी होती है, हर प्लेयर का अपना एक रोल डिसाइड होता है, और एक बार टीम बन गई तो वो सारे प्लेयर कंटिन्यूअसली साथ में खेलने चाहिए। नंबर थ्री गाइस, अजय जडेजा ने उमरान मलिक को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। अजय जडेजा ने कहा कि उमरान मलिक एक स्पेशल प्लेयर है, वो दूसरे बॉलर से थोड़ा अलग बॉलर है, उसके लिए आपको फील्ड भी अलग लगानी पड़ती है और उसे खेलने के लिए बैट्समैन को थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि एज अ बैट्समैन आपको आदत नहीं होती इतने पेस की। और अभी जितनी भी क्रिकेट उमरान ने खेली है उसने अपना बेस्ट दिया है, उसने श्रीलंका के अगेंस्ट भी दिखा है उसे लास्ट ओवर में 6 लगा था, लेकिन वो डरा नहीं और पेस से बॉल की और विकेट ली। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जैसे जैसे खेलता जा रहा है वैसे वैसे वो बेटर होता जा रहा है, और मैनेजमेंट को भी पता चल रहा है कि उसे कैसे यूज करना है, क्योंकि इंडिया के पास काफी कम बॉलर है जो इस पेस से बॉल डालते हैं। और उमरान को देखे तो उसका एक्शन फेबुलस है और रिदम भी अच्छा है, आपको एज अ टीम उसे अच्छी तरीके से यूज करना होगा, क्योंकि अगर आप उसे डिफेंसिव बॉलर की तरह यूज करेंगे तो वो स्पेशल बॉलर नहीं बनेगा। उमरान ये एक इंडिया के लिए विकेट टेकिंग बॉलर बन सकता है, मैं बस यही होप करूंगा कि इंडिया ने उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करना चाहिए। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।